चटाई नहीं रूठूंगी। शटाइट मैक्सिमम मिनिमम ना बता के, जैसे शटाइट बताई जाती है वैसे शटाइट बताओ कितनी है, इस मशीन की शटाइट कितनी है, है? कितनी है? 400। गुड, 400 है। अब ये बोला जाए कि 400 में कितनी शटाइटें बन जाएंगी, और 400 चेक कैसे करेंगे, कौन है मशीन, 400 चेक कैसे करोगे, हमेशा शटाइट कैसे चेक करते हैं देख लो, ये चल रही है ना, चल रही है, ठीक है, शटाइट ऑन कर लो, ऑन करो, चलाइए कपड़े कर दो, रेजर की दिखा, मैं बता रही हूँ, जो मैं शटाइट कर चलता होता भी ज़्यादातर सैटेलाइट को चेक करने के लिए ये स्लाइड पूरा अप होना चाहिए, मैक्सिमम सैटेलाइट बताते हैं कभी भी, ठीक है, मैक्सिमम मतलब ये जो स्क्रू है ये पूरा अप, और ये जो रैम है ये बीटीसी पे हो, बीटीसी मतलब बॉटम डेड सेंटर, ये 180 पे होना चाहिए, फिर इससे लेके जो इसकी दूरी होगी वो क्या होगा, वो होगी सैटेलाइट, उससे 1 mm ऊपर की डाई आप नहीं लगा सकते, ये अलग बात है, आप पैनल से आपने बढ़ा लिया वो गलत चीज़ है, अगर सिस्टम पर बोलता 401 भी है तब भी नहीं लगाओगे, अगर डेड ब्लॉक नहीं लगाना चाहिए, हालांकि ये जो ये कलाकार हैं ये 405 वाली जड़ देंगे वो गलत है, तो वो इस पर अपना इधर क्यों लगा ये समझने वाली बात है, तो अब ये समझिए ना, सटाइट कभी भी मैक्सिमम बताते हैं हमेशा, मिनिमम कभी नहीं बताते, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, तो एडजस्टमेंट अप और स्ट्रोक डाउन, स्ट्रोक डाउन होगा तो ये 180 तो हो जाएगा, और एडजस्टमेंट अप इसको पूरा ऊपर खोल लोगे वो जो गैप बचेगा वो सटाइट होती मशीन, समझे, अब जैसे इसमें लेगा पूरा 400 और 300 मिनिमम, इसके एडजस्टमेंट कितना हो गया 100 mm, तो ये अगर 400 की छटाई तुमने देख ली इसकी 400 है तो ये 100 mm तक तो नीचे आएगी, 100 mm तक तो उसका स्क्रू यानी कि 400 से 300 के बीच की सारी डाइयाँ लग जाएंगी, आपको 400 से 300 के बीच की सारी डाइयाँ कौन सी, जिनका सेटिंग हाइट डाई का होता है, सेटिंग हाइट मशीन का होता है, सेट हाइट, सेटिंग हाइट क्या होता है, जिस सेटिंग पे पूल चलता है जिस पे डेड ब्लॉक होता है, तो पूल की क्या करो, जब वो डेड है और उसकी जो है 300 तक है तब तो टूट जाएगा, बट अभी 280 है या 295 है तो कैसे क्या करोगे फिर तुम, ये तो 300 तक आप स्क्रू एडजस्ट कर सकते हो, 300 तक तो कर सकते हो, उसके नीचे आएगी नहीं, फिर क्या करोगे, फिर आप पैकिंग लगाओगे जिसको बोलते हो राइजर, वो पैकिंग क्या काम करती है, वो उसकी हाइट को बढ़ा देती है, डाई की सेटिंग हाइट को बढ़ा देती है, और किस रेंज में आ जाती है, किस रेंज में, 300 से 400 के बीच में, अब राइजर कितना बड़ा लगाएं भाई, 280 थी तुम्हारी, 20 mm कम पड़ रही थी, तो तुमने लगा दिया 200 mm का राइजर, लग सकता है 200 mm का, नहीं लगेगा, क्योंकि 280 प्लस 200 का राइजर लगा दिया, हाइट कितनी होगी मिल के 480, ये 400 ही है, नहीं लगेगा, फिर हमें ये भी ध्यान रखना है 400 तो ऊपर नहीं जाना चाहिए, और ये 300 से ऊपर हो जाना चाहिए, यानी कि 400 से 300 के बीच में टाइप को हमें मेंटेन करना है, उसके बीच का कोई सा भी राइजर हम लगा सकते हैं, ठीक है, अगर हमें यहाँ 30 mm का राइजर भी मिल जाता है तब भी टाई लग जाएगी, बट 30 mm का राइजर होता नहीं है, जनरली हम 50, 60, 100 ऐसा रखते हैं ना, लेकिन ये जो राइजर की पैकिंग है ये डिपेंड करती है कि हम 300 ले आए ना, 280 से ना 300 करना है, बट 0-0 300 करोगे तो क्या चाल क्या है, 1-2 mm ऊपर नीचे करनी पड़ती है, तो आप 10 mm प्लस ही रखोगे तो 30 mm का भी राइजर होगा तो इस पर टूल लग जाएगा, तो राइजर पैकिंग का समझ में आ गया, मशीन की होती है सेट हाइट, टूल की होती है सेटिंग हाइट, सेटिंग हाइट क्या होता है, सेटिंग ब्लॉक लगे रहते हैं, मैच करके देखते हो, अगर नहीं है तो तुम पार्ट को देखते हो, चाल बढ़ाओ पूरा नहीं आया, फिर चाल बढ़ाओ पूरा नहीं आया,
फिर चल बढ़ाओ, अरे ज़्यादा हो गई। ये सब चीज़ें होती हैं तुम्हारी सेटिंग को ना होने की वजह से। सेटिंग को धीरे धीरे डलवा लो तो तुम्हें टाइम बचेगा, वो वार्मिंग में डलवा लो, कटिंग वटिंग का छोड़ के। ये समझ में आ गया राइजर क्यों लगाते हैं? कटाइट क्या होती है किसी भी मशीन की? मैक्सिमम जो डाई लोड हो सकती है वो लगाएंगे। अब छोटी डाई में तो हम राइजर पैकिंग लगा सकते हैं, लेकिन अगर 400 हो गई तो रेंज इसकी स्क्रू की पूरी ऊपर अप हो गई ना, सटाइट कब बता दें स्क्रू अप और ये डाउन वही सर, तो हम 405 की, 410 की या 400 से ऊपर की डाई इस मशीन पे नहीं लगा सकते। तो कोई भी डाई सेटर बोलेगा जी आ जाएगी तो नहीं आ जाएगी, तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए पहले तो डाई हाइट कितनी है, सेटिंग हाइट और मशीन का क्या हिसाब किताब है। हिसाब किताब मीन्स मशीन की सटाइट है क्या, ठीक है। आप ऐसे खड़े हो जाओ, यह लेफ्ट यह राइट, आपको बेड का भी पता होना चाहिए डाई लगने से पहले कि बेड का साइज क्या है, डाई के हिसाब से। तो लेफ्ट टू राइट ये अपनी जो तुम्हारी 16 मशीन है, जो जो मशीन है वो तुम्हारे नोट पे होना चाहिए कि हमारे पास 16 मशीन है और इनका बेड का साइज ये है। बेड का साइज लेफ्ट टू राइट और फ्रंट टू बैक, यानी इसकी लंबाई और चौड़ाई ये तुम्हें पता होना चाहिए। डाई अगर सपोज करो इसकी, अगर ये 800 है और 2500 mm की चौड़ाई है उसकी, तो यहाँ लटक जाएगी डाई, तुम कैसे लगाओगे? तो ये का साइज देखना, डाई का भी साइज देखना। कभी कभी क्या लोड ज़्यादा है, कटाइट भी ठीक है। अब लोड क्या है कि 110 टन की है और तुम्हारा 350 की डाई है 110 टन की, साइज भी सब कुछ ठीक है, फिर वहाँ लोड कंस्टेंट आ जाता है कि वो वहाँ पे इतने डाई की कैपेसिटी वो ज़्यादा है, उस मशीन पर नहीं आएगी। साइज हो सकता है, साइज का ध्यान रखना है, लोड का ध्यान रखना है। ये जो तुम क्लैंप लगा रहे हो ये स्टाइल, ये क्लैंप, ये चार क्लैंप नीचे चार ऊपर होना चाहिए, तुमने दो लगा रखी हैं, ये तुमने देखना भाई ये दो क्यों लगाई, पूरी जगह है ना, यहाँ भी जगह है, यहाँ भी जगह है, पीछे भी जगह है, लेकिन वो जैसा डाई सेटर ने कर दिया वैसा तुमने करवा लिया, ठीक है। और ये पैकिंग, ये पैकिंग इसके बराबर होना चाहिए हमेशा, अगर 0.5 mm माइनस है तो ज़्यादा बेटर है, प्लस नहीं होना चाहिए। और ये कभी जब तुम इतना बड़ी पैकिंग लगाते हो और ये बोल्ट जब जितनी ज़्यादा दूर जाएगा तो और उसको प्लस कर दिया तुमने पैकिंग को, तो सारा लोड जो है यहीं चला जाएगा, इसका पैकिंग नहीं यहाँ नहीं आएगा। इसलिए ये पैकिंग जितना ज़्यादा लंबी क्लैंप हो उतने ज़्यादा 1 mm 2 mm छोटी रहे, इससे अगर बड़ी रहेगी तो सारा लोड वहीं आ जाएगा, समझे। तो अगर यहाँ पे है सेंटर में और ये कोशिश करो ये वाला नट, ये क्लैंप इसके पास में रहे, जितनी ज़्यादा दूर होगा लोड उतना ही कम होता जाता है। ये पैकिंग भी देखोगे सही लगाई है नहीं लगाई है, ये कभी कभार ऐसे ये एरिया चिपका होना चाहिए पूरा फ्लैट, ये ऐसे नहीं होना चाहिए क्लैंप ऐसे, ठीक है। और चार क्लैंप पे हों, अब डाई कैसे लगाते हैं, डाई की मैं एक बार ट्रेनिंग दूंगा। सबसे पहले जब डाई आप रखोगे ना तो ऊपर वाले को मास्टर मानते हैं हमेशा, जब भी अलाइनमेंट होता है तो मेल से फीमेल की तरफ होता है, ऊपर वाली डाई हमेशा मास्टर मानते हैं। तो डाई आपने रखी सीधी की, सेंटर में लाया, सेंटर लाने के बाद तुमने हाइट लगी, राइजर की ज़रूरत है तो लगाया, नहीं तो बैक टू बैड लगेगी। बैक टू बैड में ऊपर के बोल्ट आपने एक इस कोने में अगर टाइट करेगा तो वो कोने में टाइट करेगा, सपोज करो फुल खींचना नहीं है, उसको तुमने लाइट टाइट कर दिया, उसको भी लाइट टाइट कर दिया, दोनों जब टाइट हो गए तो एक आदमी को वहाँ लगाओ, एक आदमी यहाँ लगेगा, फिर फुल खींचोगे, ठीक है। ऐसे ही जब एक इस कोने में लगाएगा तो एक उस कोने में लगाएगा, फिर वो फुल टाइट खींच दो, नीचे के दूर रहने दो, नीचे बैठी हुई है ना डाई पिलर में, नीचे के दूर दूर रहने दो। अब क्या करो कि नीचे के थोड़े बिल्कुल जैसे हुए ना हाथ से टाइट हो रहा, थोड़ा सा हल्का खींच के उसमें टाइट कर लो, फिर उसको धीरे से उठाओ। टाइम में पार्ट होना चाहिए सेटिंग के टाइम पे, अगर ड्रॉप वार्मिंग का है, अगर नहीं भी है तो फिर इसको धीरे धीरे तुम एक बार ऊपर ले जाओ, अगर ऊपर नहीं ले जा रहा तो थोड़ा सा बैठाओ। जब ये पूरी जगह बना लेना, ऊपर वाली टाई करेगा नीचे वाले की जगह बना लेगा, अलाइनमेंट हो जाएगा, पार्ट होगा तो और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। फिर आप जैसे ऊपर के टाइट किए थे ऐसे ही एक यहाँ और एक वहाँ पैरेलल में, और एक यहाँ और एक वहाँ को टाइट कराओ, जब ये पूरा टाइट हो जाए, ठीक है,
उसके बाद इसको ऊपर उठाओ, फिर सेटिंग ब्लॉक मैच करो। तुम्हें काम चाल कम ज़्यादा करनी है, काम चाल कम ज़्यादा करनी है, सेटिंग ब्लॉक मैच हो गया फिर अपना उसको दो। ये राइजर तो फोटो जाती है ना, ये बराबर होने चाहिए और ये कम से कम आईडी का होना चाहिए। जब ज़्यादा ज़रूरत नहीं है बड़े राइजर की तो राइजर मत, बड़े राइजर यूज़ मत करो, इतने ही राइजर यूज़ करो। ये ऑपरेटर को बताओ, डाई सेटर को, डाई सेटर तो घुमा देगा क्योंकि आपको जानकारी है नहीं कितने की मशीन आ जाएगी कितने नहीं आएगी, कौन सी टूल लग जाएगा कौन सा नहीं लग जाएगा, क्या तरीका होगा। ऊपर का फेस जो दो हिस्से होते हैं हर डाई में, अपर डाई मास्टर होती है हमेशा, चाहे ऊपर पंच कम हो या फीमेल हो, नीचे की डाई को बिठा के सीधा करा जाता है। बोल्ट लूज रहेंगे उस टाइम पर, ऐसा नहीं है कि बोल्ट टाइट कर दिए, ऊपर के बोल्ट टाइट करो, नीचे के थोड़े लूज रहने दो, डाई को बीटीसी पे लाओ ठीक है, फिर ये टाइट करो। और पार्ट अगर है अंदर तो अब सपोज करो ये लूज है, क्या पिलर लूज है और इसमें 4 mm की सीट लगी हुई है, पार्ट है नहीं, ऊपर के तुमने टाइट कर दिए। अब ये नीचे के अगर वो लूज है तो उतना डाई हिल सकती है पोजीशन से, पिलर के नीचे हिल जाएगी। ये क्लीयरेंस है ना यहाँ, ये जो क्लीयरेंस है उसके नीचे जितनी जगह होगी उतने घूमना, तुमने फुल टाइट कर दिया वहाँ क्लीयरेंस कम हो गया, जितना ये हिलेगा ऊपर वाला मास्क उतने पंच से ऑफसेट हो जाएगा। इससे इसलिए अगर पार्ट रहेगा जब आप नीचे लोगे तो पूरी जगह बना लेगा, ये बेसक ये अपने आप पोजिशन में आ जाएगा अगर वियर आउट हो गया तो ठीक है। ये आप जब लगेगा ना ऑपरेटर के साथ लगो पाना कर दो, हमने 150 टाइम अपने आप से तुमने शर्म लगेगी, कुछ भी नहीं सीख पाओगे, हमें गुंजारिश दिलाया मैं बता रहा हूँ नहीं सिखाया ठीक है। आप गुंजारिश पूछो कि हमने कुछ बताया कुछ गलत बताया ठीक है। सारे लोग एक एक करके ट्रेनिंग लो, जो तुम्हारा गुरु बनाओ, अगर ऑपरेटर है ना ऑपरेटर को गुरु बना लो, अगर उसे कोई सी भी जानकारी है कोई सा ज्ञान है तुरंत ले लो। लेकिन अगर हम सुपरवाइजर इंजीनियर लेवल पे काम कर रहे हैं और हमें डेप्थ नॉलेज नहीं पता है इसकी तो क्या फ़ायदा है, कोई फ़ायदा नहीं है। फिर तो हम जो है वो बस पेपर भर रहे हैं तो हो गया काम, आपके पार्ट क्या भर रहे हैं, कौन सा पार्ट है, कैसे करना है, डाई क्या है, मशीन क्या है, हमें अपनी मशीन की जानकारी दो, ये मशीन के पुर्जे क्या हैं, ये क्या पॉलिस्टर है, क्या होता है, रैम क्या होती है, ये रैम है, स्लाइड एरिया होता है, ये इसको बोलते हैं स्लाइड एरिया, इसको बोलते हैं बेड एरिया। और आपको स्लाइड एरिया बेड एरिया पता होना चाहिए, कौन सी डाई लगा रहे हो उसकी हाइट पता होना चाहिए और मशीन की शट हाइट पता होना चाहिए, क्लैंपिंग कैसे होता है वो पता होना चाहिए और वो उस पर्टिकुलर डाई का लोड क्या है ये पता होना चाहिए। तब ये सब चीज़ें पता होंगी तब तो तुम किसी को बता पाओगे नीचे वाले को, नहीं तो बता ही नहीं पाओगे ठीक है। यस सर थैंक यू। अभी मैंने ये प्रेशर नहीं था इस वजह से नहीं, स्लाइड को हमेशा मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ।